गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, काफ़ी अच्छे खासे कमेंट्स आए उस पर। मैं वैसे ही बैठ करके उसके कमेंट्स पढ़ रहा था, ठीक है। तो मैंने कई सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े जिन्होंने किए हुए हैं कि भाई आप मोबाइल टेक्नीशियन के बारे में कुछ बताओ, कि अगर हमको सऊदी अरब में बेसिकली जॉब करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कितने तक सैलरी मिल जाती है एज एन फ्रेशर, अभी हमने कहीं भी काम नहीं किया फिर हमको कितने रुपये तक मिल जाती है। कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है फिर हमको कितने रुपये तक मंथली मिल जाती है सऊदी अरब में, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ जॉब को करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो मैं फटाफट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ सैलरी शेयर कर दूंगा कितने रुपए तक आप मंथली अर्न कर सकते हो एज एन फ्रेशर और एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखो, मैं आपको फटाफट आपके साथ पहले रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं सैलरी बता दूंगा। तो रिक्वायरमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है मोबाइल टेक्नीशियन के जॉब करने के लिए, नंबर वन पे आता है आप मिनिमम 10th पास हो विथ मिनिमम 50% मार्क, 10th और 12th पास होना नेसेसरी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। सेकंड चीज़, आपका मेडिकल परफेक्ट हो, मेडिकल में कोई कमी ना हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। डॉक्टर से दिखा करके, मेडिसिन लेकर के अगर शरीर में कोई भी कमी है यार, तो अपने हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो किसी भी जॉब को करने के लिए। हेल्थ अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो चुका है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। थर्ड चीज़, आपके ऊपर किसी टाइप का केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो, अपना हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस करा लेना, ये जरूरी है अभी के टाइम पे, आपके लिए सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली सैलरी के बारे में, कि आप एज एन मोबाइल टेक्नीशियन कितने रुपये तक मंथली अर्न कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, मोबाइल टेक्नीशियन किसी भी स्टोर में, किसी भी मोबाइल शॉप में आराम से इसका काम मिल जाता है, और इसकी डिमांड भी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी है। आप अपना खुद का भी स्टोर ओपन कर सकते हो, अगर आप इंडिया में हो या फिर कहीं पे भी हो तो आप अपना खुद का स्टोर ओपन कर सकते हो। इसका फ़ायदा ही होता है कि आप काम सीख जाते हो अगर, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप कहीं भी काम कर सकते हो। तो अगर हम सैलरी की बात करें, तो किसी मोबाइल शॉप में अगर काम करते हो आप, तो आपको मंथली स्टार्टिंग में 40 से 45 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में एवरेज मिल जाते हैं। अगर आप कुछ दिनों बाद एक्सपीरियंस हो जाते हो तो 50-55 हज़ार रुपये भी अच्छे मोबाइल स्टोर में आराम से मिल जाता है। तो फिर मतलब स्टूडियो को डाउट तो कमेंट करो। हैव अ नाइस डे।